एक और नया विज्ञापन है और आज फिर हम एक नई वैकेंसी के साथ, नए विज्ञापन के साथ शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, आज 13 जुलाई को एक लेटेस्ट विज्ञापन आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और आपको बता दें कि कम समय में ही आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। आप 18 अगस्त से पहले पहले आपको यहाँ पे सब कुछ होगा, यानी कि स्टार्टिंग से लेके अंत तक आज इस वैकेंसी की मैं बात करूँगा, जिसमें आप लोगों को आवेदन से लेके शॉर्ट लिस्ट तक या फिर ज्वाइनिंग तक की अपडेट दी हुई है। एक विज्ञापन में सारी अपडेट मिलेगी और सारी अपडेट देखने के लिए आपको वीडियो देखना होगा अंत तक। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो देखें, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कीजिएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा, तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। तीनों में से एक ऑप्शन भी अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका विज्ञापन पूरी तरीके से समझ में आएगा। आज हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी लिमिटेड की मैं बात करूंगा, जिसमें आप लोग आवेदन बिल्कुल ऑनलाइन करेंगे। 400 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है BESC.com के अकॉर्डिंग। भर्ती की नई अधिसूचना है और आपको बता दें कि यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद आपका होगा शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के बाद आपको चयनित किया जाएगा। ये सारी चीजें और इन सारी चीजों का प्रूफ देखना है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी नए विद्यार्थी है, ताकि आज जो अपडेट मिली है आपको आगे भी मिलती रहे। इसी दौरान विज्ञापन की मैं बात करूँ तो ये इसका ऑफिशियली विज्ञापन है और इस विज्ञापन करीबन 3 से 4 पेज का ये विज्ञापन जारी हुआ है। आपको बता दें कि कल ऐसे करीबन 9 बजे के आसपास इसे जारी किया गया है और ये मुझे तभी अपडेट हुई है जब जाके आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ, यानी कि 16/8/2021 से 18/8/2020 तक आपको यहाँ 21 तक आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग देने के चांसेस भी मिल रहे हैं। आवेदन की बात करें, स्टार्टिंग 15/7/2021 से आवेदन होगा और लास्ट डेट की बात करें तो 30/7/2021 तक फॉर्म अप्लाई करना होगा। या फिर आपको बताया लास्ट अप्लाई अप्लाई बजाय जो बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाईज हैं उसकी बात करें तो वहां पे आप करीबन 5/8 तक सप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। इसी दौरान आपकी शॉर्ट लिस्ट या फिर आपकी मेरिट लिस्ट जो भी निकाली जाएगी वो 16 अगस्त तक आपको यहाँ पे सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि जो भी आपके क्वेश्चंस या फिर आप किसी प्रकार के डाउट्स वगैरह हो तो आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। चाहे आपके टेक्निकल इशू भी हो तो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, बेसिक जानकारी के लिए भी आप यहाँ से सूचना ले सकते हैं। तो ये हुई डेट की और इसके आवेदन के बारे में। अब हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। ये देखिएगा, ये बेंगलुरु इलेक्ट्रिकल सप्लाई कॉर्पोरेट ऑफ इंडियन लिमिटेड है। भारत के सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, पर वहाँ की बेसिक लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपको बता दूं कि ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है, ना कि ये गवर्नमेंट है ना ही ये प्राइवेट है। बस आपको यहाँ पे 1 ईयर के लिए जो ट्रेड्स निर्धारित की गई है उनके अनुसार आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें अप्रेंटिस के अनुसार, इंटर्नशिप्स के अनुसार यहाँ पे 7,000 रुपये 1 ईयर के लिए दिए जाएंगे। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन के अनुसार, अलग अलग योग्यता के अनुसार आपकी यहाँ पे सैलरी होगी, पोस्ट होगी और इसमें ट्रेड होगी। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखनी होगी। सबसे पहले हम बात करें कैटेगरी 1 की, जिसमें ग्रेजुएशन अप्रेंटिस वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 143 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 16 पोस्ट हैं और कंप्यूटर साइंस 3-6 के आसपास हैं, सिविल्स 5 है, टेक्निकल। तो ये इसमें आपको आवेदन करने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग में 7,000 रुपये 1 ईयर के लिए दिया जाएगा। अब आगे हम बात करें, जिसमें टेक्नीशियन डिप्लोमा वाला अप्रेंटिस विद्यार्थियों के लिए, इसमें आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 55 है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन की 10 है, कंप्यूटर साइंस की 10 है, 75 पोस्ट इसमें दी हुई है। इसी दौरान हम बात की जाए सैलरी के, तो आपको 1 ईयर तक 5,000 रुपये दिया जाएगा। अब इसमें देखिए कि शुड बीन पास एंड बीई बीटेक वाले विद्यार्थी किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट से आपके पास आवेद ओ सॉरी जिसके जिसके पास ये सर्टिफिकेट्स हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। सेकंड बात की जाए, शुड बीन पास इंक्वायरी 3 ईयर का डिप्लोमा फॉर पॉलिटिकल सॉरी किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो
ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। फिर से मैं रिपीट करूँ तो इसमें अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें 10वीं सॉरी बीटेक बीई और डिप्लोमा वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। 1 साल की अप्रेंटिस होगी, 7,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। जॉब आपकी बेंगलुरु में होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक और डिप्लोमा वाले विद्यार्थी ही आवेदन करेंगे। आगे हम बात करें आवेदन कौन से विद्यार्थी और कब के विद्यार्थी करेंगे। आपको बता दें कि 18 में आप पास आउट हैं, 19 में पास आउट है, 20 में पास आउट है और जुलाई 2018 ओनली इनवैलिड, यानी कि जुलाई के अंदर अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट हैं रिजल्ट आ चुका है जिन विद्यार्थियों का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें जो आपकी SC ST कैटेगरी को सब कुछ वैसे ही सुविधा मिलेगी जो दी जाती है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस के लिए कुछ भी जमा नहीं करवाना, आपको सीधा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहां से फॉर्म सबमिट करना होगा। ये थी इसकी बेसिक डिटेल। अब विज्ञापन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं यहाँ पे देखिएगा। और हम बात करें इसकी जो डिटेल्स के बारे में, तो ये खुद आप देखिएगा, इसका लिंक आपको दिया जाएगा। अब मैं बात करूँ आवेदन के बारे में, तो ये देखिएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग, जिसमें NATS के तहत आवेदन किया जाते हैं। चाहे भारत के किसी भी राज्य से वैकेंसी निकले, ये वेबसाइट सिलेक्ट इंडियन के तहत आप सभी को अप्रेंटिस के लिए यहाँ से गुजरना होगा। अगर आप मेरे अलावा या फिर किसी और के अलावा देखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कौन से राज्य से किसकी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ से निकली हुई है, आपको सारी अपडेट यहाँ पे दी जाएगी। पर आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके पास एक ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर होना जरूरी है, क्योंकि एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें अनाउंस की, जो जो नए लेटेस्ट नोटिफिकेशन या विज्ञापन इस कंपनी के जरिए, इस संस्था के जरिए जारी किए गए हैं, वो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो यहाँ पे मिलेगी। पहले हम बात करें तो ये देखिएगा, 12/7/2021 की पोस्ट डेट के तहत एक नया विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर में बात की है। इसी दौरान सेकेंड की बात करें, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन टेक्नीशियन, जिसकी कुछ दिनों पहले DRDO में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली हुई थी, उसकी भी हमने बात की थी, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसका विज्ञापन 5/7/2021 को जारी किया गया है। इसी दौरान हम नेक्स्ट बात करें, जो सिलेक्शन ग्रेजुएशन टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए भारतीय पेट्रोलिय पंप, यानी कि भारत पेट्रोल कॉर्पोरेट ऑफ इंडियन कराची से निकली हुई थी, जिसके ऊपर हमने बात की। अगर नहीं पता तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, पिछले वीडियो की लिस्ट में आपको दिया जाएगा। अब हम बात की जाए आगे और वैकेंसी की, तो यहाँ पे सबकी अलग अलग वैकेंसियाँ, कब विज्ञापन कब जारी हुआ है, कब कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे विज्ञापन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से विज्ञापन को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये हुआ देखने का। अब हम आवेदन की बात करें, आवेदन पे देखिएगा, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार ही आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप पहले भी भर चुके हैं तो मैं तो यही कहूंगा, एक बार अप्रेंटिस करने के बाद दोबारा ना करें, क्योंकि एक बार ही बहुत है। अगर आपको बेनिफिट मिलना होगा तो एक बार में ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एनरोल पे क्लिक किया, एनरोल पे क्लिक करने के आप स्टूडेंट हैं, कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें सबमिट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इसका विवरण है, उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और पूरी मदद के साथ फिर से जानकारी ले सकते हैं। कौन से राज्य से हैं, क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, एक एक चीज़ आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वैकेंसी के साथ फिर नए विज्ञापन के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।